हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता। आज बनाने जा रही हूं चिल्ली मशरूम। मशरूम को बनाने के लिए मशरूम को अच्छे से साफ कर लेंगे। मशरूम आपका साफ है तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। मशरूम में मिट्टी लगे है इसलिए मैदा से रब कर लेंगे ताकि मशरूम के लगे मिट्टी चला जाए। इस तरह सारे मशरूम को रब कर लेंगे। मशरूम को रब करने के बाद गर्म पानी में धो लें। गर्म पानी में धोने के बाद इस पानी को फेंक देंगे और एक बार नॉर्मल पानी में धो लें ताकि अच्छे से मशरूम साफ हो जाए। तीन चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 3 चम्मच मैदा डालेंगे। आपको जरूरत है तो थोड़ा पानी छिड़कर कोटिंग कर सकते हैं। अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। गरम तेल में मशरूम को डीप फ्राई करेंगे। पहले हाई फ्लेम पर रखेंगे क्योंकि मशरूम में मॉइस्चर होता है। मशरूम के कलर थोड़ा चेंज होने के बाद आप लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी बन जाएगा हमारा मशरूम। इस तरह सारे मशरूम को फ्राई करेंगे। मशरूम के कलर गोल्डन आने के बाद मशरूम को निकाल देंगे। यहाँ पे प्याज, कैप्सिकम, टमाटर, हरी मिर्च, स्प्रिंग ऑनियन ली हूँ बारीक कटे हुए, अदरक और लहसुन ली हूँ, टमाटर सॉस, सोया सॉस, काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में पानी थोड़ा मिलाकर मिक्स कर ले। चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई में तेल डाल दे, गैस फ्लेम हाई करेंगे, बारीक कटे हुए अदरक लहसुन डालें, हरी मिर्च डाले, प्याज, कैप्सिकम, टमाटर डालकर टॉस कर ले। नमक, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि सॉस में भी नमक होता है। टमाटो सॉस, सोया सॉस डालेंगे, आप चाहे तो चिल्ली सॉस डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर पानी डाल देंगे। फ्राई किए हुए मशरूम को डाल दे, मिक्स कर ले। ऊपर स्प्रिंग ऑनियन डाल दे। गर्मा गर्म चिली मशरूम को सर्व कर ले। ऊपर थोड़ा सिसमे सीड डाल देंगे। सिसमे सीड को थोड़ा गर्म करके ली हूँ। हमारा चिली मशरूम तैयार है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।
बाय बाय, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलती हूँ।